बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश भर में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का अभियान चलाया गया है। रोजगार प्रदान अभियान में लगभग 4,80,000 बहनों का पंजीयन हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर राज्य में सक्रिय है। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की एक अहम बैठक हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम मोहन यादव, सांसद कविता पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव और गांव संपर्क पर चर्चा की गई। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐसे कई और काम करने जा रही है, साथ ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं के रोजगार पर भी फोकस कर रही है। लगभग 4,80,000 से ज्यादा बहनों के पंजीयन देश भर में हुए। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने के लिए इसमें आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी रोजगार परक ऐसे कई और सारे कामों को चाल के मध्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा रोल अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए आज भाजपा कार्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में स्वयं शामिल हुआ हूँ और शक्ति बंधन नाम इस कार्यक्रम में बहनों ने बहुत अच्छी भूमिका अदाई की और मेरी अपनी ओर से बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।